जेपीसी में चला गया है। जेपीसी में दलों के राय के साथ साथ देश से भी राय मांगा गया है और हमको लगता है कि मुस्लिम समुदाय से ज्यादा देश के बहुसंख्यक समुदाय ने भी राय दिया है। बिहार में जितना विकास का काम हुआ है और जितनी नौकरी रोजगार मिला है किसी दूसरे राज्य में हुआ है क्या? और ये कहीं से भी दान की जमीन को किसी दूसरे कार्य में नहीं लाया जा सकता, अंडरटेकिंग नहीं किया जा सकता। कुछ लोग व्यवसाय की यात्रा करते हैं, कुछ लोग एंजॉय की यात्रा करते हैं। नीतीश कुमार हमारे नेता समस्याओं के समाधान की यात्रा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा पर है, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद जो है वो कर रहे हैं। अब इसको लेकर देखिए, बिहार की सियासत काफी गर्म है। एक तरफ वार और पलटवार का तो जो दौर है वो तो जारी है, लेकिन अब इसी बीच जेडीयू के पूर्व MLC गुलाम रसूल बलियावी ने उनकी यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। और क्या कुछ कहा है, सुनाते उनके पूरे बयान को। भाई, जेपीसी में जो गया है तो जो लोग हल्ला मचा रहे उनकी वजह से नहीं ना गया है। जेपीसी में चला गया है, जेपीसी में दलों के राय के साथ साथ देश से भी राय मांगा गया है और हमको लगता है कि मुस्लिम समुदाय से ज्यादा देश के बहुसंख्यक समुदाय ने भी राय दिया है कि साहब ये देश हित में नहीं है। और ये कहीं से भी दान की जमीन को किसी दूसरे कार्य में नहीं लाया जा सकता, अंडरटेकिंग नहीं किया जा सकता है। गुरुद्वारा है, चर्च है, गिरजा है, मस्जिद है, दरगाह है, मठ है, मंदिर है, तो ये सब दान की जमीनें आस्था की है ना। तो इस पर जेपीसी में चला गया है और अब जेपीसी में सारे दल के लोग हैं और देश की राय भी आ रही है, जो आएगा देखा जाएगा। बिहार में सर कहा जा रहा है कि समय से पहले चुनाव हो सकता है, विपक्ष के नेता ऐसा कयास, नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार आज तक घबराए हैं क्या? किसे घबराए हुए हैं? बिहार में जितना विकास का काम हुआ है और जितनी नौकरी रोजगार मिला है किसी दूसरे राज्य में हुआ है क्या? तो जो जनता का काम किया है, जो बिहार का डेवलपमेंट किया है, जो विकास किया है, वो चुनाव से डरेगा? वो तो चुनाव का इंतजार करता है। भाई, हर 10 दिन पर 5 दिन पर लोग हुकूमत गिराते रहे हैं, क्या हुआ? इसलिए लोग सपना ना देखें। सपना देखना अच्छी चीज है, लेकिन वो सपना देखें जिससे देश का भला हो, राज्यों का डेवलपमेंट हो और रोजगार और नौकरी मिले। प्रशांत किशोर को आप किस तरीके से देखें? आप बंदी को कह रहे हैं कि अगर आ गए तो 1 मिनट में हटा देंगे। तैयार बैठी हैं माँ बहनें, स्वागत बढ़िया भयंकर करेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि जासूस भेजने का काम जो हमारी करते हैं, जासूसी करवाते हैं हमारी। अब उनकी कौन जासूसी कराएगा, उसके लिए नीरज भाई से मुलाकात कर लीजिएगा। अच्छा, सभी पार्टियों के जो नेता है वो यात्रा पर निकल रहे हैं, इसे कैसे आप देख रहे हैं? तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल चुके, उपेंद्र कुशवाहा, सीएम नीतीश भी जाएंगे। कुछ लोग व्यवसाय की यात्रा करते हैं, कुछ लोग एंजॉय की यात्रा करते हैं। नीतीश कुमार हमारे नेता समस्याओं के समाधान की यात्रा करते हैं। तो जेडीयू के पूर्व MLC गुलाम रसूल बलियाबी के पूरे बयान को सुना, साफ साफ कह रहे हैं कि बहुत सारे नेता जो है वो यात्रा पर निकलते हैं, यात्रा करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा है कि व्यवसाय करने निकले हैं कुछ लोग। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ लोग घूमने जाते हैं। बहुत सारी बातें जो है गुलाम रसूल बलियाबी ने कहा। तो अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।